अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे लॉरियल पेरिस के ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम का रिव्यू करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी स्किन की टाइप पर यूज़ कर सकते हैं और कौन सी स्किन की प्रॉब्लम्स पर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने कुछ अरसा पहले जो है ना, लॉरियल के हेलरोनिक एसिड सीरम पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि वो कौन सी स्किन की प्रॉब्लम के लिए है। आज हम बात करेंगे लॉरियल के ग्लाइकोलिक एसिड सीरम के बारे में। ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ना, ये एक फ्रूट ड्राइव्ड होता है। ये इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन आपने अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो फिर आपने इसको यूज़ नहीं करना। ये आपकी स्किन की जो है ना, पिगमेंटेशन को कम करेगा, डार्क स्पॉट्स को फेड करेगा। अगर आपकी स्किन अनइवन हुई हुई है तो उसको इवन करने का काम करता है और आपके फेस पर ग्लो लाने का काम करता है। ये जो है ना, ये एक केमिकल एक्सफिलिएटर होता है। ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ना, ये केमिकल एक्सफिलिएटर होता है। ये आपके पिगमेंटेड डेड सेल्स को हटाता है, ठीक है ना। ऊपर से अगर आपके पिगमेंटेड डेड सेल्स हटेंगे ना, तो नीचे से न्यू सेल्स आएंगे। जो नीचे से न्यू सेल्स आते हैं ना, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आस्ता आस्ता आपके स्किन के डेड सेल्स को एक्सफिलिएट करता रहेगा। अगर आप स्क्रब करते हैं ना, स्क्रब से भी डेड सेल्स हटते हैं। जो आप मैकेनिकल एक्सफिलिएटर यूज़ करते हैं ना, जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, उससे भी आपके डेड सेल्स एक्सफिलिएट होते हैं, लेकिन उससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये जो केमिकल एक्सफिलिएटर होता है ना, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, ये लॉरियल का जो सीरम है, ठीक है ना, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, क्योंकि ये हेलरोनिक एसिड की पेनिट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है ना, उसको इन्हेंस करता है। तो अगर आपके फेस पर ग्लो नहीं है तो ग्लो भी आएगा। आपके फेस पर अगर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं और आप अपनी रंगत को निखारना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सीरम है। इसको आपने नाइट टाइम यूज़ करना है। बेस्ट टाइम यही रहेगा कि आप इसको नाइट में यूज़ करें। आपने फेस वॉश करना है। फेस वॉश करके आप अपने फेस को हल्का हल्का टॉवल से ड्राई कर लें। फिर आपने दो ड्रॉप यहाँ लेने हैं, दो यहाँ लेने हैं, और हल्का हल्का एब्जॉर्ब कर लेना है स्किन में, ठीक है ना। आप देखेंगे कि कुछ एक दो वीक में ही आपके फेस पर ग्लो आना शुरू हो गया है और डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स हैं, तो फिर कभी आप हैवी मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, जैसे कि इनकी क्रीम्स भी आती हैं, ठीक है ना। तो वो आपको अपना सही स्किन के रूटीन बनाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत कंसर्न है तो उसके लिए ये बहुत ही अमेजिंग सीरम है, ठीक है ना। तो ये 15 ml जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है ना, जो 15 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है, वो उसकी प्राइस जो है ना, वो 1500 है। और अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। पाकिस्तान में थोड़ा अर्सा ही हुआ लॉन्च हुए को, इंडिया में बहुत पहले से ये जो है ना प्रोडक्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें। मैंने हर एक स्किन के कंसर्न पे वीडियो बनाई हुई है। मैंने बहुत ज़्यादा सीरम्स पे वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर जाकर वो भी वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक किया करें, शेयर करें मेरे चैनल को। हम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।